हेलो स्टूडेंट्स आज मैं हिंदी का अगला ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं और इस चैप्टर का नाम है तिरिछ तो चलिए हम देखते हैं उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है तो उदय प्रकाश की कहानी तिरिछ है तिरिछ उदय प्रकाश की कहानी तिरिछ है उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एम किया तो उदय प्रकाश ने सागर विश्वविद्यालय सागर से एमए किया सागर से एमए किया उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया तो दिनमान दिनमान पत्रिका में काम किया उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया तो एमिनेंस एमिनेंस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन उदय प्रकाश जी ने किया उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक हैं उदय प्रकाश जी किस प, पत्रिका के सहायक सहायक संपादक है संडे मेल संडे मेल न्यू दिल्ली संडे मेल के सहायक संपादक है लेखक को किसने बताया कि तिरछ में काले नाग से सौ गुना ज्यादा जहर होता है लेखक को किसने बताया तो थानू ने बताया किसने बताया थानू ने उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए नीलकंठ को उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को देखना चाहिए तो नीलकंठ चिड़िया को लेखक को किसने तीन तीन सौ के तीन नोट दिए डॉक्टर पंत ने डॉक्टर पंत ने डॉक्टर पंत ने लेखक के दूसौन लेखक के दूसौपन के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे हाथी तथा त्रिछ हाथी तथा त्रिछ थे लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी बोलने और चिखने की लेखक को सपने में बोलने और चिखने की आदत थी लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे तो लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से मिनरवा टाकेज के पास उतरे थे लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से मिनरवा टाकेज के पास उतरे थे खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था आवाज़ आवाज, आवाज। खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था आवाज़ लेखक के लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे तो अदालत में पेशी के लिए अदालत में पेशी के लिए लेखक के पिताजी शहर गए थे कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है तो वारिस। वारिस उदय प्रकाश की कहानी नहीं है लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी तो एम्पेंडिसाइटिस एम्पेंडिसाइटिस तिरिछ कहानी के पिताजी का नाम क्या है राम प्रसाद तिरिछ कहानी के तिरिछ कहानी के पिताजी का नाम क्या है तो राम स्वारथ प्रसाद कहानीकार तिरिछ की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था धानु के साथ किसके साथ धानु के साथ, साथ। पंडित राम और अवतार पंडित राम अवतार क्या थे पंडित राम अवतार क्या थे तो ज्योतिषी और वैद्य ज्योतिषी और वैद्य थे तिरिछ कहानी के कहानीकारक है तिरिछ कहानी के कहानी कारक उदय प्रकाश है उदय प्रकाश है कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है तो टूटा हुआ पुल उदय प्रकाश की कृति नहीं है तिरिछ कैसी कहानी है तो प्रतीकात्मक छ कैसी कहानी है प्रतीकात्मक पिताजी की मृत्यु कैसे होती है तो मानसिक सदमे और अधिक रक्त श्राव से मानसिक सदमे और अधिक रक्त श्राव से उदय प्रकाश का जन्म हुआ था एक जनवरी उन्नीस को उदय प्रकाश का जन्म एक जनवरी उन्नीस को हुआ था कौन सी कृति उदय प्रकाश की है तो दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश की कृति है दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश की कृति है तिरिज के लेखक है तिरिज के लेखक उदय प्रकाश है तिरिज के लेखक उदय प्रकाश है तिरिज क्या होता है तीर्छ विष खापर जहरीली लिजार्ड तिरिज विष खापर जहरीली लिजाट होता लिजाट होता है यानी विष खापर होता है अरेबा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है अरेबा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है सान, कहानी संग्रह कहानी संग्रह कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है यह किसने बताया कहानीकार की माँ ने कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है किसने बताया तो कहानीकार की माँ ने बताया तिरिछ को कैसी कहानी माना जाता है तो तिरिछ को जादुई यथार्थ, यथार्थ की कहानी माना जाता है तिरिछ को जादुई यथार्थ की कहानी माना जाता है तिरिछ कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है तो कहानीकार के पिता से तिरिछ कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है कहानीकार के पिता से तो बच्चों फिर हम अगले वीडियो में अगला ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे जब तक के लिए धन्यवाद